What's good everyone, welcome to the day one of vlogging again. एंड गाइज नाउ यू कैन सी अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन तो हो चुका है बट यहाँ पर कहीं ना कहीं नए जैसी फील वापस आने लग गई है। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ओवर स्प्रे हमको नहीं करना है क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी गीला गीला सा फील होने लग गया है जो कि अगेन एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसको भी क्लीन कर देते हैं। सो गाइज हेलमेट्स तो क्लीन हो चुके हैं, अब बारी है इस पर GoPro सेटअप करने। सो गाइज यहाँ पर सारे के सारे इंग्रीडियंट्स आ गए हैं जो भी हमको चाहिए GoPro को इंस्टॉल करने में। यूजुअली ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है। थैंकफुली उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप जो माइक है उसको यहीं पर सेटअप कर दो और उसके बाद में इस माइक की जो वायर है इसको पूरे हेलमेट में आगे से पीछे तक लपेट। एंड इसी के साथ हमने इंस्टॉल कर लिया है हमारा माइक, साथ ही में उसकी केबल भी यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट हमने लगाया ये डिटैचेबल माउंट जिसे आप इजीली निकाल और वापस लगा भी सकते हैं। GoPro रेडी है अडेप्टर के साथ, साथ ही में ये 3.5 mm की जैक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 180° रोटेटेबल माउंट। एंड इसी के साथ हमारा सेटअप हो जाता है कंप्लीट। अब मिलते हैं POV में। भाई आ रहा हूँ। चलिए गाइस टाइम चेक, 29th ऑफ अगस्त 2:43 PM। फटाफट से निकलते हैं। अरे क्या है, ब्रांड न्यू ग्लव्स। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी न्यू राव जोधा स्मारक रोड, ऐसा कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं पता ढंग से। वैसे तो हम शॉर्ट वाला रूट ले सकते थे जाने के लिए बट यार कल ही गाड़ी वॉश करी है मैंने तो मैं नहीं चाहता कि वो गंदी हो जाए। तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज का कंटेंट क्या है। हम लोग चल रहे हैं एथर रिस्टा के लॉन्च में जहाँ पर मुझे और हेलमेट वर्ल्ड से विनय भाई को इन्वाइट आया है। तो सबसे पहले हेलमेट वर्ल्ड चलते हैं, वहाँ से विनय भाई को पिक करते हैं, उसके बाद दोनों अपनी अपनी पैरेलल ट्विन्स लेकर चलते हैं हमारे लॉन्च इवेंट में जो कि होने वाला है नोवोटेल में। एंगल चेक करने के लिए रुका था बट धूप बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा चेक। वहाँ पर जाकर चेक कर लेंगे, अच्छा एंगल मिल गया तो डाल देंगे, नहीं मिला तो कट कट करके शॉट में निपटा देंगे क्योंकि आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि लास्ट मैंने इस GoPro को अच्छे से कब ऑपरेट किया था। और अपनी इस बाइक पर तो आई गेस कभी किया ही नहीं था आज तक। 1 साल और कुछ महीने हो चुके हैं इस बाइक को लिए हुए। देख लो इन लोगों को, देख लो बस। कर सकते हैं इन लोगों का, हॉर्न दे दिया है, पासिंग दे दिया, उसके बाद भी इनको आगे जाना है। एंड ये रहा एथर का इकलौता शोरूम जोधपुर का एज ऑफ नाउ। कोई होना हो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखो यार अभी ये न्यू एडिशन है हमारे, कार्बन फाइबर व्हील कवर। नेक्स्ट है फॉग लाइट्स एंड थर्ड है हमारे Z900 टाइप LED इंडिकेटर्स, ये कल ही लगाए हैं। ये जा रहे हमारे विनय भाई। चीज ऐसी है कि अगर ऐसे इवेंट्स में ही हम बाइक्स लेकर नहीं जाएंगे तो फिर गाड़ी लेने का मतलब ही क्या है। ये लो, बिना इंडिकेटर चलने में लोगों को कितना मजा आता है। कुछ बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। स्नैप स्नूप ले ली जाए। बस देखो इन्होंने भी व्हील कवर लगा रखे हैं। क्रैश गार्ड हमने मंगवाया था इसका बट किसी और कस्टमर को दे दिया। फॉग लाइट्स भी इसमें लगाने वाले थे पर वो भी उन कस्टमर को दे दी। GoPro बंद कर दिया, बैटरी थोड़ी सी कम है, अभी तो लोकेशन तक भी पहुंचना है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके बाद उसको वापस चार्ज पे लगा देंगे।
टाइम चेक कर लो, 3:20, 3 बजे का इवेंट है वहाँ पे, 3 बजे का। अब एक बार उनको फोन लगा के पूछ लो क्या करना है। स्पीकर पे रखो ना, अरे इधर लो, इधर लो, स्पीकर पे करना चाहते हैं। सो गाइस बात हो गई जनरल मैनेजर से, उन्होंने बोला है पार्किंग ओपन में ही है, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से, तो हार्डली 2-5 मिनट का ही रास्ता है। पुलिस वाले खड़े मैंने इसीलिए पहले ही बंद कर दी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, वो इतना पास खड़ा है, मेरी सांसें तेज हो रही है। अभी मत लो, अभी अपने पास नहीं आएगा, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ना, आना होता तो इतनी देर में आ जाता। सिर्फ लिख रहे हो? सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। सो गाइस नोवोटेल पर तो आ चुके हैं, बट वहाँ पर एज यू कैन सी पार्किंग बहुत खचा खच भरी हुई है, और हमारे पास कार नहीं है तो वहाँ भी नहीं लगा सकते। तो सामने हमें सजेस्ट किया है कि भैया यहाँ लगा दो, इस वाले ढेर में, तो हमने यहाँ पर लगा दी। एक बाइक देख कर हमने पास में लगा दिया है, और क्या नाम है भैया आपका? रामा राम भैया ने हमारी एंट्री कर ली। एक बार दिखाओ तो कहाँ करी एंट्री, तो एंट्री एग्जिट दोनों लिखा जाएगा क्या इसमें? ओके ओके, इंडिया एंड यूएसए दोनों जगह काम कर सकते हैं। अच्छा चलो, थैंक यू। अपने वाले इतने ढीले हैं कि रिश्ता लॉन्च भी हो चुकी, लेकिन इन्होंने अभी तक लॉन्च भी नहीं किया। ये भी शायद यहीं आए, लग रहा है यही लॉन्च होने वाली है, नंबर प्लेट भी नहीं है। देख लो भाई, कुछ कुछ ऐसा सीन। कैसे हो प्रेम जी? बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारे प्रेम भैया हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो एक बार बता दो, ब्रीफ दे दो क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे रिश्ता का ग्रैंड इवेंट लॉन्च रखा है अपन ने, जिसके अंदर जो रिश्ता के जो कस्टमर है, जो प्रीवियस और अभी जो अपन ने बुकिंग कराई है, वो कस्टमर अपने साथ आएंगे और कंपनी उनको ब्रीफ करेगी, डेटा शेयरिंग होगा और उनके लिए मतलब लंच वगैरह का रखा। ओके, तो लंच हमें भी मिलेगा क्या? जोधपुर से है ना, थोड़ा पूछना पड़ता है। हाँ सही है, जोधपुर ही टच आना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके? हाँ कौन सी गाड़ी आपके पास? निंजा। निंजा H2 नहीं, निंजा लिख दे दो ना। ठीक है। टाइम ये हो गया और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या टाइम था? 3 बजे। 3 बजे का, 3 से 6। ऑलमोस्ट 4 ही बज गई है, 40 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सोफे भी अभी उतरे हैं जस्ट हमारे सामने। वहाँ पर मैंने GoPro लगा दिया है चार्ज पे, वापस जाते टाइम में चाहिए होगा ना। कुछ ऐसा इवेंट है, अंदर की साइड में चेयर्स लगी हुई है, वहाँ पर अपना स्टेज है, वो रहा मेन काम वहाँ है जिसके लिए हम आए हैं। उस कॉर्नर में जब हम बैठे थे तो वहाँ पर ओनर जस्ट हमारे पीछे बैठे थे, तो वो कहीं हमारी गलीच बातें ना सुन ले, इसलिए हमने सीट चेंज करने वाले हैं। एक्सपोज अंकल एक ब्लॉग शूट कर लूँ क्या आपके कैमरा से? आप तो ब्लॉग शूट करोगे, मैं तो सिर्फ एक चीज़ शूट करूँगा, जैसे लोग खाएंगे मैं कैमरा लेके पार्क चला जाऊँगा। खूबसूरत इवेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सभी गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बाहर आपने रजिस्ट्रेशन का काउंटर देखा होगा, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी रजिस्ट्रेशन एक बार के लिए आप अपना बिल्कुल करवा लें, उसके बाद हम आगे की एक्टिविटीज के लिए आगे बढ़ेंगे और ढेर सारी मस्ती भी होगी। सो बने रहे मेरे साथ, कुछ ही देर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग, जय श्री राम। गिरीश जी, एथर सी यू, एथर जीएम एम्पायर, जीएम एम्पायर चीफ गेस्ट आए हैं, जो जेएस पाजी की गाड़ी ड्राइव ठीक सब करते हैं। एनीथिंग कस्टम वाले देखो स्टेज,
अच्छा ये बाजी क्योंकि इस व्हीकल को चला मेरे को ये टेंशन थी कि इसको दिखाओ तो क्या है इसको? अच्छा ये है अरे सो गाइस यहाँ पर तो सारे के सारे लोग जा चुके हैं, शायद बाहर एक ग्रुप फोटो होने वाली है और हम वेट कर रहे हैं खाने का। खाना तो हो जाएगा जैसे पावर ड्रिफ्ट करते हैं ना बाइक को शो के वगैरह, हां वैसे हम चाह के बाइक को पूरा डिटेल में कवर कर सकते हैं। हां अगर ये पैसे दे तो पैसे, हां पैसे मिलेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो गाइस हमने सोचा कि बाकी लोग गए हुए तब तक हम गाड़ी ही चेक आउट कर लेते हैं। एक बार डिक्की देखो यार, निकालो पूरा निकालो, क्या बात है, इसमें आप पैक हो जाओगे। और ये भी टच स्क्रीन नहीं है, नहीं बटन से होगा, जॉयस्टिक से ये स्क्रीन है। गाड़ी तो देख ली है, रिव्यू भी कर दिया है, अब विनय भाई मुझे लगता है खाना खा लेना चाहिए यार, बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। ये पहला राउंड है, पहला राउंड। क्या कह रहे थे आप, खाना भारी है? खाना बहुत ज़्यादा भारी है। सक्सेसफुली राउंड वन हो गया कम्प्लीट। सो गाइस अब शुरू कर रहे हैं सेकंड राउंड, वो भी दो प्लेट्स के साथ में। ये रही हमारी दोनों प्लेटें साफ और यहाँ चाय। चीयर्स। ज़ूम करो तो मेरे, फुल ज़ूम कर दो। और आयो 5:45 अपन निकल रहे हैं, सारा सामान पैक हो चुका है, गोप्रो पूरा चार्ज हो चुका है 100%। थैंक यू रामा राम जी। गिली तो खैर हो ही गई यार, अब क्या करेंगे, कुछ है आपके पास? अरे 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 यार हम पहुंच चुके हैं अखलिया सर्कल के थोड़ा सा पास में, तो यहां से मुझे एक दूसरी क्लिप रिकॉर्ड करनी है जो कि हम डालेंगे हेलमेट वर्ल्ड जोधपुर के इंस्टाग्राम पेज पर। तो मैं सीधा मिलता हूं आपको शोरूम पर। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया हमको आए हुए। क्या कर रहे विनय भाई आज? अपन आज अपन कवर करेंगे नंबर प्लेट, HW की प्रीमियम नंबर प्लेट फ्रेम्स एट जस्ट रुपीज सिर्फ 29 रुपीज ओनली। हाँ दोनों दिख गया, पीछे से दिख गया। Damn, damn, damn. क्या बात है, क्रेजी। ये नया वाला डेडपूल थीम है एक्सोर एपिक्स के अंदर। सुपरमैन बैटमैन जोकर तो सब आगे चले गए। हाँ अब आई है भाई लेडीज। ओहो वंडर वुमेन, वंडर वुमेन और बाइक्स गजब, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है ये तो सही में। नाइस, क्या प्राइजेस क्या है इन दोनों की? ये तो 6,500 का है, साथ में इसमें आपको एक ब्लैक वाइजर भी फ्री मिलेगा। ठीक है। और ये वाला जो पड़ता है वो 1450 की रेंज का है, 1450 के आसपास। ये तो मतलब उनके लिए ना, फीमेल्स के लिए है ये।